ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 8-10 ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ PM ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ इंशाल्लाह ताला ये PDI की हुकूमत आई है ये वो काम नहीं होंगे जो आज से पहले हुए हैं। नाज़रीन 70 साल से अवाम का मुकद्दर है ये टूटे हुई सड़कें उबलते हुए गटर गंदी नालियां और बदबूदार निजाम कूड़े क्रिकेट के ढेर गैस की कामयाबी बिजली की लोड शेडिंग और उस पर ज्यादा बिल लोड शेडिंग के अलावा ज्यादा बिल ये सारे मसाइल हैं जो मतलब हमें चार सू नजर आते हैं और इन मसाइल को जब हल होता हुआ कोई नहीं देखता अवामी नुमाइंदे हमें कहीं मिलते मुंतखब होने के बाद गायब हो जाते हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता और कोई उनकी दुख दर्द तकलीफ को सुनने वाला नहीं होता। लिहाजा जो ही इंतखाबात की बाजगश सुनाई देती है तो अवाम अपने मसाइल के हल का रास्ता यही तलाश करती है कि अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करें और ये सब वो हकूक हैं जो अवाम को देने के लिए हकूमत पर कर्ज हुआ करते हैं और ये तमाम मसाइल जो भी इन्हें दरपेश हैं कि सड़कें इनकी टूटी हुई हैं गैस प्रॉपर इन्हें नहीं मिल रही है बिजली की तारें जा बजा इस तरह लटक रही हैं गलियों में कि किसी वक्त भी कोई हादसा जो है वो दरपेश हो सकता है और जिससे जानी और माली नुकसान का भी अंदेशा है। उबलते हुए गटर हैं और उनमें से पानी के गुजरते हुए पाइप जिनकी वजह से घरों में गटर का पानी मिला हुआ पानी पीने के लिए लोगों के पास पहुंच रहा है जिससे वो नहाते हैं मुंह धोते हैं अपने कपड़े धोते हैं ये सारे मामलात हैं जिन पर इन्होंने अपने मसाइल की एक फहरिस्त बना के अपने इलाके की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अहम शख्सियत जनाब मुफ्ती अशफाक साहब को भी मदु किया है और इन्होंने हुकूमत पंजाब के नाम एक अर्ज़दाश्त लिखकर तमाम अहले इलाका के उस पर दस्तखत करवा के और हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए मुफ्ती साहब को पेश की है। तो नाज़रीन आइए हम देखते हैं कि यहाँ जो लोग हैं उनके क्या मसाइल हैं और वो अपने मसाइल के हल के लिए किस तरह बात करते हैं किस तरह उन्हें हल कराने का रास्ता क्या रास्ता इख्तियार करते हैं और जो अवामी नुमाइंदे हैं जिन्होंने आगे मुंतखब होकर आना है जो वोट लेने के लिए इन लोगों के पास आने वाले हैं इस सिलसिले में वो उन्हें क्या कहते हैं उनसे क्या वादे करते हैं। था हमारा मनशियात का मगर वो हमारे अपनी मदद आपके तहत हमने ये थोड़ा सा किया है तो अल्लाह का शुक्र अब पहले से बेहतर है तो हम यही चाहते हैं हमारी यही है गुजारिश है कि इधर तवज्जो दी जाए ताकि मज़ीद बेहतरी आ जाए। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम मैं वेलफेयर सोसाइटी का वाइफ चेयर नायब सदर हूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे इलाके के काम हों अच्छे तो फिर ही हम किसी को वोट वगैरह कास्ट कर सकेंगे वरना आइंदा हम सोच समझ के किसी को बोलते हैं। ठीक है सर थैंक यू। आज ये भी यहाँ पे नहीं होते और हम भी यहाँ पे नहीं होते हम यकीन करें गंदा पानी फोत की हो जाए तो गंदा पानी कोई मेहमान आ जाए तो गटर को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मेहमान आ गए वो पानी निकलना शुरू हो जाता है घरों में इतना इतना पानी सीवरेज में पानी सीवरेज का गटरों का ठीक है वो गली के बड़े और तारों का मसला है अभी पिछले दिनों आग लगी है जिसके आगे से आइंदा से कोई जानी या माली नुकसान ना हो आप यकीन करें गली में आपको विजिट कराते हैं गली का तारों का इतना मसला मसाइल है कि आप वाली नहीं हो सकते अब इनसे इसलिए रिक्वेस्ट की है तारों का मसला हमारा हल कराएं सीवरेज का निज़ाम हल कराएं आगे आपको पता है हेपेटाइटिस सी की बीमारी इतनी बीमारियां आ रही हैं इस गली में पहले टूवल का मामला सी और टूवल के मामला तो जड़े ने सर वो खराब कर रहे सर लेकिन मियां महमूद रशीद साहब ने टूवल जोड़ा वो मंजूर करवा लिया सर उस तो बाद महकमा औकाफ ने कहा कि असी टूवल नहीं ला देना दोस्तों ने कोशिश की महकमा औकाफ वाले नाल गल हुई सर क्योंकि जोड़ा टूवल है यदा भी बरसा पानी घट गया ये 6 क्यूसक पानी देता सी दो तो आ गया जोड़ा पिछले मज़ार हज़रत बाबा शाह कमाल के सामने टूवल से वह भी बैठ गया वह भी पानी नहीं देता नवा टूवल मंजूर हो गया जी औकाफ की मस्जिद सर वो सामने जी ग्राउंड है वह अंदर चंद दिन तक वो टूवल जोड़ा ना शुरू हो जाएगा अगर वो टूवल जोड़ा वो अगर टूवल जोड़ा वो शुरू हो गया
तो इंशाल्लाह अगर वो दो तीन महीने के अंदर अंदर मामला हो गया तो उम्मीद अल्लाह के घर कि साडा पानी वाला मामला तो हल हो जाएगा। बाकी जिहड़े ने मामले इंशाल्लाह रल के हल करांगे। सारे दोस्तों की मेहरबानी सर, उन्होंने मैं बुलाया, मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सर मैं बात करना चाहता हूँ, मेरा नाम इशरत अली सी, जुए स्ट्रीट में रहता हूँ अरसे 50 साल से। सुई गैस का मसला ये है कि 40 साल से ये लाइनें पड़ी हुई हैं और पुरानी पाइप वाली लाइन भी पुरानी पड़ी हुई है। चलो वो तो 10 फुट नीचे चली गई, उसके बाद फिर ये सुई गैस वाली लाइन पड़ी। 40 साल के अंदर लोहे के अंदर कुछ नहीं रहता, इन लाइनों के अंदर पानी है। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके आगे के भी, ये लाइन जो है ना, ये 1.25 इंच का कैंची का पाइप होता है, अगर ये जुए स्ट्रीट में नई लाइन पड़ जाए तो ये मामला सॉल्व हो सकता है, ये मामला सॉल्व हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे बच्चों ने ये कमेटी बनाई है, एक तंजीम बनाई है, ये अच्छी बात है, हमें खुशी हुई है। हम इनके साथ हैं, जैसे भी है हम इनका साथ देंगे इंशाल्लाह, जिसों की ज़रूरत पड़ी हम इनके साथ हैं। 24 घंटे आपके साथ भी और इनके साथ भी हैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मेरे पास किसी वक्त टाइम होता है किसी वक्त नहीं आता, यूनिफॉर्म पर्सन हूँ, कभी मैं कहीं पर होता कभी, लेकिन जब मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं इधर आऊँगा। ये बहुत मेहरबानी मोती साहब ने सही किया है, ये ट्यूबवैल इतने 10 भी लग जाएंगे तो पानी नहीं आना, नहीं तो इंजीनियर साहब बुला लो, मैंने भी बुला लो। ये वड्डी गली मोटर ने जिथे टर्न आता उसे बैक करता पानी, उत्थे कुल कुल करता है। मेहरबानी करके अपनी टैंकी वड्डी बनाओ, टैंका जरा सारे सप्लाई करे, भावें टाइम सिर दे करे, ताकि पानी अपना लैवल बबर रखता, ताकि टैंकी से चढ़े। ये वड्डी गली तुम भी लवा दो, पानी इतने आ गया तो मैं फड़ लो। अपने इंजीनियर साहब, सब इंजीनियर SDO एक्शन साहब बुला लो, तो उत्थे बह के मीटिंग कर लें, तो वाल बंद कर देने उनको या ट्यूबवैल चलन दे, तो अगर पानी नहीं आना उत्थे कुल नुकसान तो कोई नहीं ना होना। जिन्हें टर्न आएंगे पानी बैक करेगा, इतों तक पानी अगर क्यों नहीं आता, 20,000 टर्न है वो बैक करता है, बेचारे रोते रहते मोटर खाली चल दी। महमूद रशीद साहब वाला करके गए सन झूठा, वो साढ़े सामने आएंगे ना, फिर उन्होंने दसागा कि यार एक ही तरीका है। वो गली वाले सारे कट्ठा किया, सारे बंद उ बड़ी तालियां बजिया, मैं क्या एक ही गल की यार प्रेशर बढ़ा दौ, उन्हें क्या अच्छा जी लिख के दे दौ, ना वो मिले ना सी लभे। नहीं यार दावे देखो बेटा, दावे यार दावे वाली गल नहीं है, असूल की गल है। सब तो पहले तकरीबन 88 की गल है, इलेक्शन वास्ते टिकट लैनी सी, उदो IGI सी ते बड़ साहब मेरे नाल गए सन सर, मैं बड़ साहब नू नाल लैके गया सा कि सर हाँ जी कि सर टिकट वास्ते गल करो कुछ सब, लेकिन ना हो सकिया मामला। बड़ साहब तुसी साढ़े वड्डे हो, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਝੁਰੂ ਲਾਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਰੈਸਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੰਪਰੈਸਰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗੈਸ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੈਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਗੈਸ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਜਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜ ਸਾਹਿਬ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਪੈਪ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3-3 ਜੀ ਸਨ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 53 ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸਰ, ਉਹ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੁਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਖੱਪ ਪਈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ?
ਜਿਸਲੇ ਦੋ ਕੰਪਰੈਸਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਬਾਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ ਗੰਡਾ ਕਰਨਾ ਲੱਗਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਪੋ ਜੀ ਬੈਠਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਗਲੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਲਓ अगर उसे जाना पे उसे जावांगे अगर ऐसे आ गए तो उसे भाग के सारे कुछ ना गल करो उन्होंने ना लेना उन्हें प्रेस क्यों करता है साढ़े ऐसी बदो है कोई साढ़े तो सियासत ही बड़ी है जेडे पीएम ने उतो ही गला कटवा देने ने खिदमत कर जाए करते तुम्हारी खिदमत कर जाए करते मेरी जिंदगी जीत जाए मैं आप जानते हैं आप लोग जानते हैं इसी गली में जवान था आज मैं बूढ़ा हुआ तकरीबन मुझे कम से कम 40 साल इस इलाके की खिदमत का जो मुझसे हुआ चाहे पार्टी बढ़ सक दरार आई या कहीं से मेरा हाथ पड़ा काउंसलर था मुझे फंड नहीं दिया जमात ने मैं ये आप लोग जानते हैं कि मैंने 10 लाख रुपया अपनी विरासत से मैं पकड़ लिया एम पी ए से लाया इंशाल्लाह ताला जो कुछ हो सका जो कुछ हो सकेगा मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा और करता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा जनाब मुफ्ती साहब हमारे बुजुर्गों ने आपसे कुछ बातें की हमने ये वेलफेयर अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है जोड़ने के लिए कुछ तोड़ने के लिए नहीं कुछ चाचा जाय जी ने आपके साथ कहा कि कंप्रेसर गली में लगते हैं कुछ चाचा इशरत भाई ने साहब ने कहा कि यह कंप्रेसर इसलिए लोग लगाते हैं कि बाहर से इन लोगों के ये मीडियम तबका है इनके ज़्यादा से ज़्यादा इस गली में कोई ऐसा होगा जिसकी 25 या 30 हज़ार से ऊपर तनख्वाह होगी कम अज़ कम 20-22 हज़ार की रेंज में ये लोग रहते हैं अगर ये 3 टाइम लोग बाहर से एक वक्त की एक आदमी अगर 25 रोटी लगती है तो 75 रोटियां आप सोच लें 25 हज़ार में तो ये रोटियां ख़त्म कर देंगे हम आपको ये नहीं कहते कि आप बाहर से टीम पर लाएँ वो आगे चेक करेंगे घर घर कंप्रेसर लगे होंगे कहीं उन्होंने लगाए होंगे लेकिन मजबूर होकर लगा रहे हैं खुशी से कोई भी नहीं लगाता वो फट भी सकता है उससे जानी नुकसान भी हो सकता है हमने तो आपको ये कहना है कि आप हमारे महल्ले में ये जो गैस का पाइप है वो डलवाएँ कोशिश करें अल्लाह आपको इज़्ज़त दे अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है आपने गैस डलवाया तो हम भी आपके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना सीना पर सीना आपके साथ चलेंगे पानी का मसला है मेजर इस टाइम पानी का मसला है पिछले दिनों ये हमारी गली में यहाँ तक पानी भरा है ये बुज़ुर्ग हैं इनके घर पानी नहीं जाता ये सामने बैठे हैं इनका बेटा ये है ये हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी है इनके घर पानी नहीं आता ये तकरीबन रात रात जा के पानी भरते हैं मैं खुद तकरीबन सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ मोटर चला जाता हूँ वापस आने तक शादो नादर पानी खींच लेती है लेकिन सुबह फजर के टाइम मुझे उठना पड़ता है आप हमारे गैस का जो मसला है गैस इस टाइम भी नहीं आ रही कंप्रेसर कोई चलाएगा तो उसने अगर इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारे घर में मेहमान आए हैं हमने आपके लिए चाय बनाने की कोशिश की चाय नहीं बनी कि यार गैस ही नहीं है वो कैसर को भाई जाओ जाके सिलेंडर पर आके लाओ अब अगर चंद लोगों ने कंप्रेसर लगाए तो सिर्फ मजबूरी तौर पे लगाए खुशी से कोई भी नहीं लगा रहा मेरी तो आपसे और सोसाइटी की तरफ से मोतमाना अल्तमास है कि जो हमने आपको एप्लीकेशन दी है इसमें जितनी जल्दी आप इस पर अमल कर सकें बड़ी मेहरबानी ये हमारे पैनल पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशफाक भाई एक शोर है कि गली में ट्रांसफार्मर हमारे इस गली जी बात में मैं बात में अशफाक भाई मेरे सर जो आप जिसके नाम के ये आपको दिए स्पेसिमेन दिया इसमें हमने सारे मसाइल लिखे हैं जो आप जिसकी सीवरेज काम भी बताएं मैं सारा बात करूं इसमें हमने लिखे हैं पॉइंट कटे
आप जैसे हमें हदायत देंगे, मशावरत करेंगे कि सीवरेज के लिए किसको लिखना है, वासा के लिए किसको लिखना है, गैस के लिए किसको लिखना है, हम आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशन दे देंगे। अशफाक भाई बात यह है, बुजुर्गों ने बात की सारी बात की, मसाइल को अब सुन लिया, अब मसाइल की तरतीब लगानी पड़ेगी। हमें गली बननी है ना हमारी, गली बनने से पहले हमारा पानी का पाइप नया डलेगा, गैस का पाइप नया डलेगा, सीवरेज का पाइप नया डलेगा हमारा, फिर गली बनेगी और उसके साथ साथ हमारा बिजली का तारों मसला आलो का। यहाँ से पिछली मोहल्ले से तारें आई हैं, वो पूरी तरतीब में सीक्वेंस में आ रही हैं, वहाँ पे कोई तारें डाउन नहीं आ रही। जब ऐसे आप एंटर हो जाएं इस चौक तक, मतलब वो बात जो पहले कही गई कि आप चार पाई तो बड़ी दूर की बात है, आप बारिश में छतरी लेकर निकल सकते, इतनी तारें डाउन हैं, खुदा ना खासा करंट ना लग जाए किसी को, ठीक है ना, इतनी तारें मतलब मिक्स हुई पड़ी हैं, तरतीब लगवाई जाए सारी उसकी, सीवरेज का मसला, ये सारी बातें तरतीब से हैं। जैसे आप गाइड करेंगे हमारे सारे काम हैं जी, हमारे सारे मसाइल हैं, ठीक है जी। अगर सिर्फ उस साथ में हो गया ना, अगर ये पॉसिबल है, अगर अगर अजमेर स्ट्रीट के लिए पॉसिबल है कोई ट्रांसफार्मर लहदा से कोई, तो वो 150 घर है यहाँ पर, तो आप तो इसमें देख रहे हैं वो मुझे, अब आपने हमें गाइड करना है कि किस काम को किस तरह लेकर चला जाए। देखिए अब गली की खुदाई होनी है, गली बनने की खुदाई तो करेंगे ना, तो खुदाई से पहले उसको पानी का मसला, सीवरेज पाइप पड़ जाए, अपना वाटर लाइन पड़ जाए, गैस लाइन पड़ जाए, इसीलिए हमने कहा पहले हमारे जो दूसरी गली पैप वगैरह जितने भी पैप अंडर लाइन, इंशाल्लाह ताला जो काम होगा वो बेहतरीन होगा। वो तो मुफ्ती साहब ही कह रहे हैं, टैंकी तो अलावा मसला नहीं है। एक बात ध्यान की आपको मालूम होगा, इसी गली में जो कमर्शियल काम करते हैं, मुझे पता है कि मैं इसी गली में नहीं, जवान भी था और बूढ़ा भी हुआ, लोग जो कमर्शियल काम चने वगैरह पकाते हैं उन पर, उनको कंट्रोल करना आपका काम है सर, वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे, तंजीम में तो बात करें। मैं आपसे कहता हूँ कैसे कमर्शियल काम करते हैं वो, कमर्शियल वो चने यहाँ पकवा लेके जाते हैं, लाल मन जब वो लगाएंगे अपने प्रयासल प्रयासल खींचा जाएगा, वो मुझे पता है। नहीं नहीं ऐसा आप कंट्रोल करते हैं नहीं, कोई ऐसा काम नहीं होता जी इस मामले में, किसी किस्म का इंशाल्लाह इस किस्म का कोई काम नहीं होता। सारे आए नहीं बुलाया, बुलाया बुलाया करो यार, सिलसिला तो माशाल्लाह आप लोग ही आगे आएंगे ना इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अगर आप अपना वर्जन दें कि आप आगे क्या आप इन लोगों को मतलब किस तरह फैसिलिटेट करेंगे। बैठ के प्लीज उधर हो जाओ, इंशाल्लाह ताला ये पीडीआई की हुकूमत आई है, ये वो काम नहीं होंगे जो आज से पहले हुए हैं, इंशाल्लाह जो भी काम होगा मुस्तकिल और अच्छे तरीके से होगा और भरपूर तरीके से होगा, ये बार बार जो मसले मसाले ये नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी कायद का भी जो मोहल्ले के मसाइल हैं बहुत ज्यादा हैं, ये 2005 में हमारी गली पक्की थी, उसके बाद कोई इधर ना MNA आया, ना MP आया, ना जनरल काउंसलर आया। एक बार हमने अपना अपनी गली से जनरल कौंसिल बनाया नून लीग का, उसने भी थोड़ा सा भी काम नहीं किया, क्या उसे पैसा नहीं मिला, क्या हुआ, क्या मामला है, और इतने मामला हमारे पचीदा है कि गटर ये बाहर आप निकलेंगे दाएं तरफ जाएंगे पहला गटर आएगा उसके अंदर पानी गटर का जो है ना वो उसके अपना सीवरेज का पानी उसमें वाटर सप्लाई में मिल रहा है, ये आपका मसला नहीं है पूरे लाहौर, वो अगर अगर देखेंगे ना अगर यही पानी इधर से मिलेगा ना ये गटर बेसिकली बैठ चुका है। पहले कौंसलर ने बड़ा हल करने की कोशिश की है, उससे नहीं हुआ, उसने लाया भी SGO को वासा को सबको लेके आया, उसने हल नहीं करवा सका, वो बिल्कुल गटर बैठा हुआ है उसके अंदर से पानी जाता पूरी, तो ये पानी बैग भी जाता है, जारी बात है इधर गटर से जाएगा पानी तो सब घरों में जाएगा,
ये इधर पानी ज्यादा है तो पीछे भी जाएगा आगे भी जाएगा, डोंगी पंप लगे हैं हर घर में पंप लगा हुआ पीछे भी जाएगा। इसी तरह बिजली के मसाइल हैं, नीचे नीचे तारे आ चुकी हैं हमारी और गली कच्ची है, गैस का तो बेबहा ही हर जगह पे बुरा ये हाल है। ये टोए डाले थे ये पानी निकाल रहे हैं इसमें गैस आ जाएगी, कोई गैस नहीं है कोई कुछ नहीं है। पिछले साल भी गली में जगह जगह पे टोए डाले तो कोई गैस नहीं आई, पानी निकलता है पानी कैसे निकला, वही बात है कि प्रेशर पीछे से नहीं है। पहले प्रेशर मारा होता था 2000 अपना पीछे चले, 5 साल पीछे चले, ये अपना जो MNA जो पिछले हमारे गुजरे हैं सरदार रियाज सादिक उनके दौर से पीछे जाएं तो सारी गैस आ रही थी, प्रेशर मारा बिल्कुल ठीक था, उन्होंने बंद करवाया या किसने बंद कराया। वादत कलोनी को गैस अभी तक भी आ रही है, कनालपुरे में चले जाए अभी तक गैस नहीं जाएगी, उधर 24 घंटे गैस नहीं जाएगी, इधर दिन को भी नहीं आ रही और ना रात को आ रही है, इधर कोई अब गर्मी है गर्मी में तो कोई नहीं, पीछे जाम हो गई है, बर्फ बर्फ जम गई है, कुछ हो गया। मेरी रहायश लाहौर ब्रोस्ट के बिल्कुल साथ है, आप कंप्रेसर कंप्रेसर कह रहे हैं ना, मेरे घर में भी कंप्रेसर लगा हुआ है क्योंकि आती ही नहीं है उसके पास। कंप्रेसर का मसला ऐसे हल नहीं होता, जैसे पानी का मसला नहीं हल हो रहा, जैसे भाट साहब ने बताया जैसे आ रही है तो कंप्रेसर की जरूरत, जैसे भाट साहब ने बताया है कि पानी की टैंकी नहीं बनेगी तो हर घर में पानी नहीं जाएगा, ऐसे ही पीछे से प्रेशर इसका गैस का नहीं आएगा तो हर घर में गैस नहीं पहुंचेगी। जैसे अपना डोंगी पंप है वो लगे हैं वो भी गैर कानूनी है, कंप्रेसर को तो हम ले रहे हैं, डोंगी पंप जो जो भी कोई पंप लगा रहा है तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पर बचा रहा है वो भी गैर कानूनी है, वासा नहीं लगाने देता मगर लगाए हुए हैं, वो एक आदत बन गई है। इसी तरह गैस की भी आदत बनती जा रही है, हर घर में हर जगह पे लगा हुआ है, कईयों ने तो अल्लाह माफ़ करे वो दूसरे लगाए हुए हैं जो ख़तरनाक तरीन है, जैसे तंदूर हैं और कमर्शियल काम करने वाले हैं उन्होंने लगाए हुए हैं, वो ख़तरनाक हैं, वो कंप्रेसर जो फट गया तो बहुत नुकसान करेगा। इसलिए ये सोसाइटी हमने बनाई है कि हम लोग उठें, हमारे पास यंग लोग भी हैं बूढ़े भी हैं, बूढ़ों की मशावरत से ये बनी है, ये नहीं कि उनको बुलाया नहीं गया, सबको घर घर जाके बताया गया और ये घर घर जाके सफाई भी की इन्होंने, हमारी सोसाइटी के लोगों ने लाइटें भी लगाई, अपने पास से फंड किया। सबसे पहले हमारा जो सोसाइटी बनाने का मसला था गली के अंदर मनशियात फरोश हो रही थी और हमारे चौंक तक आ चुकी थी, इधर हमारे जो बच्चे यंग बच्चे सारे हैं वो इधर खड़े थे, वो उनके पास जाके बैठना शुरू हो गए थे कि वो जो बेच रहे हैं ना उनके पास से गुजर रहे थे। एक दो बार हमारे ये मानी भाई हैं, इनके साथ लड़ाई भी हुई उनके साथ कि यार ये क्या काम कर रहे हो, वो उनके हाल लंबे होते हैं आपको पता है, पीछे बैकग्राउंड उनकी बहुत लंबी होती है, तो सियासी बैकग्राउंड चले जाए या जो भी कर लें वो लंबी बैकग्राउंड होती है, तो आथापाई भी हुई, एक जो मोहल्लेदार था हमारा एक उसको तो हमने मना लिया आपकी मेहरबानी इधर ना बैठा करो, तो वो थोड़ा सा कम हुआ मगर अभी तक ये पूरा मसला हल हमारा ये भी नहीं हुआ कि मनशियात वाले अभी भी हैं, उनका ग्रोह अभी बहुत ज़्यादा ऊपर काम कर रहा है, मगर हमारे हाथ इतने नहीं है कि हम करें जाके उनको जाके पकड़ें या पकड़वाएं उनको, ये बहुत पचीदा मसला है। बाकी ये छोटे छोटे मसाइल हैं जो पानी का है, ये तारों का है, सीवरेज का है, ये हमने लिख के दिए हैं मुफ्ती शफाक साहब हमारे, जो हम जब छोटे होते थे हम इनके पास जुडो कराटे सीखने के लिए जाते थे, इन्होंने वाकई उस वक्त वेलफेयर का काम किया, मनशियात के लोगों को बड़े लोगों को मना किया बाज किया, ये इनका है अपना समाजी काम है और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इज्जत दे और ये हमारे मसाइल हल करें, इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ हैं। अगर हमारी गली में एक बंदा भी बुरी ये वेलफेयर अगर हाँ कर देती है ना, एक आप चेयरमैन कहेंगे ना यूसी का चेयरमैन इधर से बन सकता है, एक यूसी का चेयरमैन इधर से बन सकता है, अगर हमने पिछली बार एक कौंसलर बनाया ना हम यूसी का चेयरमैन भी इधर से बनवा सकते हैं, मुफ्ती साहब को कहें जी ये हमारा चेयरमैन है और इसको करें, ये अपना यूसी के लिए लड़ाएं इनको, या हम हमें कोई बंदा ऐसा दे दें जो हमारे इलाके का ही हो, तो ये मामला था इंशाल्लाह ताला हम हल करेंगे, हुकूमत के साथ मिलके करेंगे, हुकूमत हमारे साथ होगी इंशाल्लाह ताला, तो हम इनके मसाइल जो है ना मसले सारे इंशाल्लाह ताला हल करें, आपकी मेहरबानी है, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए हैं, मुफ्ती साहब ने भी टाइम दिया, बाकी मोहल्ले वालों का बहुत शुक्रिया जो इतना कीमती टाइम निकाल के आए, इस वक्त इस दौर में कोई टाइम नहीं इतना देता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बैठने की भी जगह नहीं है, खड़े होने की भी जगह नहीं है हमारे पास, एक तो जगह ही नहीं मीटिंग करने के लिए, हमने ये अमर भाई की छत ली है और इतना ज़्यादा करवा अपने लोग जमा हुए हैं दिल में जगह, तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट होगा हम MNA को बुलाएंगे, MPS को बुलाएंगे ताकि हमारे मसाइल को हल करें। अब मुफ्ती साहब को दिया है हमने एप्लीकेशन, ये तरीका हमें बताएंगे कैसे स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, तो हम इंशाल्लाह ताला चलते जाएंगे और वो अपना काम करते जाएंगे, तो उम्मीद है कि ये हमारे काम करवाते जाएंगे, हम इनके साथ इंशाल्लाह ताला चलते जाएंगे, बहुत मेहरबानी शुक्रिया। यार गल सारे दोस्त ना असी सारे एक ही गल कर रहे हैं जी, जो भी आया ना एक ही गल कर रहे हैं,
40 साल का गंद है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਭੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੀ ਸਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਦੋ ਦਫ਼ਾ 2005 ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, मैं मुफ्ती शफाक साहब का, लेकिन गबोस साहब का, मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे पास आए, उमर फरूक मेरा नाम, मैं इसी गली में रहता हूँ। और हमारे जो सदर हैं सलीम साहब, इनका भी ये हमारे साथ में चले हैं, जो भी हैं इन, हमें खुशी हुई इन्होंने इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी बनाई, और इंशाल्लाह हम इकट्ठे होकर इस गली में काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाफिज़ ज़ुबैर। ये जो आपने जो भी हमारे लिए टाइम निकाला सोसाइटी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीक्रेट न्यूज़ को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे बड़े आए, सब आए, हमारे मोहल्ले के जो 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 हैं वो मसाइल हल करें, हम इनके साथ चलेंगे। काफ़ी देर हो गया गली ये बनी नहीं है। सुबह टाइम जो बुज़ुर्ग हजरात नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वो उनको तंगी होती है। सुबह टाइम पानी खड़ा होता है, गटरों का पानी खड़ा होता है। ये हमारी गुजारिश है कि ये मसले मसाइल हल करें। और कूड़ा पूरा क्रिकेट पूरा पूरा दिन हफ्ता पड़ा रहता है, महीना महीना पड़ा रहता है, वो मसाइल हमारे हल करें। ये उम्मीद करते हैं कि आपके यूनियन काउंसिल के मुताबिक जो कि हमारी पास उनकी वीडियो पड़ी है, वो आपके खिलाफ कार्रवाई जो जो भी आपका इशू है उस पर अमल दरामद करेंगे। जी भाई जाना, आपका कोई क्वेश्चन? मेरा बस जो भी हमारे लिए आप लोगों ने टाइम वगैरह निकाला है जी, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बुजुर्ग बड़ों ने बुज़ुर्गों ने जी जी। और ये सुबह के टाइम नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं, उसके अलावा गटर का पानी वगैरह खड़ा होता है। और बस थैंक यू सर। अच्छा जी, बस और किसी ने?